ओके, बहुत ही गर्मी लग रही है, सच बता रही हूँ. मुझे लग रहा है थोड़ी देर बाद यू नो ये जो ग्लो है वो पसीने से बह जाएगा. ओके लीव इट. हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल शाय स्टाइल्स. कैसे हैं आप सब? दिस वीडियो इज ऑल अबाउट दिस ग्लो एंड हाईलाइट. सो मैं आज की वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ लिक्विड इल्यूमिनेटर, और यू कैन से लिक्विड हाईलाइटर्स. सो मेरे पास काफ़ी सारे लिक्विड हाईलाइटर्स हैं. आई एम अ बिग 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 फैन ऑफ हाईलाइटर. आपको पता ही होगा बहुत सारी वीडियोस मैंने हाईलाइटर के ऊपर बनाई हैं. यूजुअली मैं पाउडर हाईलाइटर्स या फिर क्रीम हाईलाइटर्स, बहुत क्रीम भी नहीं, ऑलवेज मैं पाउडर हाईलाइटर्स आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ. एंड जैसे कि आप देख रहे हो अभी फेस पे काफ़ी अच्छा सा ग्लो है. सो ये पाउडर हाईलाइटर का कमाल तो थोड़ा बहुत है, बट लिक्विड इल्यूमिनेटर का भी कमाल होता है. लिक्विड इल्यूमिनेटर सिर्फ आप मेकअप के साथ नहीं, बिना मेकअप के भी लगा सकते हैं. एंड बैम बैम, मतलब आप डे टाइम में लगा रहे हो, नाइट टाइम में लगा रहे हो, यू विल लुक फैबुलस. आपकी स्किन बहुत ही ग्लोइंग लगेगी. मेरे पास मोस्टली जो है वो सटल ग्लो वाले हाईलाइटर्स हैं, और ऐसे हाईलाइटर को मैंने अपने पूरे फेस पे किया है, इवन मैंने आईज पे भी अप्लाई किया है थोड़ा थोड़ा सा. सो या आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी गाइज. अच्छी लगी तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. और जल्दी से सब्सक्राइब करो, अब तो सब्सक्राइबर रेट भी कम चल रहा है. आई डोंट नो, लॉकडाउन की वजह से भी लॉक हो गया है या क्या है, वो कमेंट करके बता देना. बट प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, इट्स एब्सोल्युटली फ्री. और स्टार्ट करते हैं हमारे लिक्विड इल्यूमिनेटर का वीडियो, जिसमें हम बात करते हैं सबसे पहले बहुत 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 ही अफोर्डेबल एंड यू कैन से बहुत ही मस्ट हैव हाईलाइटर की. आई डोंट नो, पता नहीं लोगों के पास लोगों ने ट्राई किया है कि नहीं, बट बहुत सारी लड़कियों ने ट्राई डेफिनेटली किया होगा, बट सबको नहीं पता. तो मैं चाहती हूँ जो भी मेरे व्यूअर्स हैं वो जरूर देखें और वो इसका फायदा उठाएं. सो ये है स्विस ब्यूटी का इल्यूमिनेटर मेकअप बेस. सो आप इसे अपने बेस के नीचे अप्लाई कर सकते हैं. मेरा जो फेवरेट शेड है वो गोल्डन पिंक है, एंड ट्रस्ट मी, गोल्डन पिंक शेड ही आप ट्राई करें. सिल्वर पिंक इज वेरी नाइस, बट समहाउ आई फील कि वो थोड़ा सा आपको ऑफ थोड़ा सा फटाफटा सा लगता है, वाइटिश लुक देता है थोड़ा सा, बट इट लुक्स एब्सोल्युटली ब्यूटिफुल ऑन योर स्किन. आप जो बिनीथ मेरे फेस में ग्लो देख रहे हैं वो यही इल्यूमिनेटर है. ये मेरा फेवरेट है, मैंने 100 times 100 वीडियोज में बताया है. दिस इज सो गुड, और इतने अच्छे प्राइस में आपको इससे बेस्ट हाईलाइटर कहीं भी नहीं मिल सकता. मार्क माई वर्ड्स, कहीं भी नहीं मिल सकता. कुछ लोगों को हो सकता है ये चौकी लगे, कुछ लोगों को ऐसा लगे, मैं इधर दिखा रही हूँ, कुछ लोगों को ऐसा लगे सी इसके अंदर पिंक शीन है, और ये इतना अच्छे से ब्लेंड हो जाता है एंड इट गिव्स यू अ बहुत ही सुंदर वाला अंदर से काइंड ऑफ अंदर से ग्लो करने वाला, ऐसे लगते हो आप. सो आप इसे विदाउट एनी फाउंडेशन भी लगा सकते हो, जस्ट अपने फेस पे लगाया एंड कॉम्पैक्ट सेट किया, यू आर गुड टू गो. ये बहुत अच्छा लगता है. आप पाउडर के ऊपर मत लगाना, पाउडर के ऊपर ये पैची हो जाता है, आपका जो पाउडर है वो भी एकदम पोर्स में फिल इन हो जाएगा. सो प्लीज मेक श्योर आप इसे लिक्विड के ऊपर ही लगाओ, पाउडर पे नहीं. सो दिस इज 199 का आता है या 299 में आपको मिल जाएगा. डिफरेंट डिफरेंट स्टोर्स पे अलग अलग है, लोकल मार्केट्स में बहुत अच्छे से मजे से अवेलेबल है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी. प्लीज डू ट्राई दिस वन. एंड अगर जो ट्राई कर चुकी है मेरी शायप है, प्लीज कॉमेंट डाउन कि आपको कैसा लगता है. मे बी किसी को उसका टेस्ट ऐसा ना हो, बट ऑलमोस्ट सबको पसंद आएगा. ओके, नेक्स्ट जो है वो अगेन हाईलाइटर है, वो है ये स्टेक वॉकी का हाईलाइटर. स्टेक वॉकी भी अफोर्डेबल है एंड गाइज इस तरीके की कुछ पैकेजिंग में आता है. इट कम्स विद दिस ब्रश जो कि बहुत अच्छा है, इवन आप फाउंडेशन के लिए, अपने ब्लश के लिए भी यूज कर सकते हो. हाईलाइटर के लिए भी है क्योंकि ये एक स्टिक हाईलाइटर है. सो मैं यहाँ पे स्टिक क्रीम हाईलाइटर्स भी शेयर करूंगी. यू कैन यूज दिस एज अ ब्लश बहुत ही अच्छे से. तो ये आप इसे ब्लश के लिए भी यूज कर सकते हो, और ये एज अ हाईलाइटर भी आप यूज कर सकते हो. इट्स अ पिंक हाईलाइटर गाइज, इट्स अ पिंक हाईलाइटर. इसमें कलर्स इतने प्यारे प्यारे हैं, पर्पल, ब्रॉन्ज, गोल्ड, सिल्वरिश पिंक, मतलब बहुत सारे कलर्स हैं. सो ये भी आप ट्राई कर सकते हैं. इट कम्स विद अ गुड ब्रश. सेकेंड हाईलाइटर, नेक्स्ट हाईलाइटर जो है, अच्छा खैर इसमें मैं आपको ये पर्पल जो शेड है, इट्स नॉट अ पर्पल, ये बहुत ही समथिंग वेरी डिफरेंट शेड जो मैंने अभी तक नहीं देखा एक हाईलाइटर में. लुक एट दैट, डुओ क्रोमैटिक काइंड ऑफ शेड है इसमें, दूसरा शेड भी है, तो इसमें मेरे को ये शेड बहुत पसंद है, तो मेरे पास है. नेक्स्ट जो है वो ये फॉकलियर का है, ये स्टिक हाईलाइटर है. एंड माय गॉड, इसका शेड मैंने अभी तक किसी स्टिक हाईलाइटर में, इवन किसी लिक्विड इल्यूमिनेटर में नहीं देखा, इतना अमेजिंग शेड है ये, बहुत ही डिफरेंट है. ओके, सो
ये इतना क्रीमी है और ये गोल्ड बेस्ड है, मतलब इसके अंदर आपको मोस्टली गोल्ड शीन दिखती है, बिल्कुल चौकी नहीं है, ट्रस्ट में बिल्कुल चौकी नहीं है, बट ये क्रीम है। तो जिनकी ऑयली स्किन है हो सकता है उनके पोर्स में थोड़ा सा सेटल डाउन हो, प्लीज डोंट यूज अपना मेकअप करने के बाद, उसके लिए आपको पाउडर हाइलाइटर्स आते हैं, ये हमेशा आपको बेस के अंदर लगाना होता है या सिंपली आप ऐसे भी लगा सकते हो, अदरवाइज पाउडर के ऊपर आपको मैंने बताया कि केक ही लगने लगता है। नेक्स्ट यहाँ पे जो है वो दो और स्टिक हाइलाइटर है, फर्स्ट वन इज मेबेलिन का मास्टर क्रोम, ये इतना सॉफ्ट, इतना ज्यादा सॉफ्ट एंड सटल हाइलाइटर है, अगेन इट्स वेरी ब्यूटीफुल एंड इतना क्रीमी है कि ब्लेंड करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। वैसे मैंने हाइलाइटर अप्लाई किया हुआ है, ये आपको कम मतलब कम पैची लगेगा, अगर आप थोड़ा बहुत ऊपर भी लगाना चाहते हो पाउडर पाउडर के तो हल्का फुल्का अप्लाई कर सकते हो, बट इट्स लुक ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। नेक्स्ट आई हैव दिस आई एम ग्लोइंग क्रीमी स्टिक फ्रॉम प्लाडियो, ये शैम्पेन कलर का हाइलाइटर है, लुक एट मतलब फेस पे क्या ग्लो मारेगा ना आपका फेस, आप सोच भी नहीं सकते, इतना अच्छा है ये। ऑलराइट, सो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्रीम में। सो क्रीम में यहाँ पे मेरे पास सबसे पहले दो हैं, इट्स अ बाम फॉर्म बट मैं कहूँगी थोड़ा सा क्रीमी टेक्सचर ही है, स्टिक में भी आता है सेम शेड, सो इट इज अ मेकअप रेवोल्यूशन अल्ट्रा स्ट्रोक बाम। आई डोंट नो इसको रेटिंग इतनी अच्छी नहीं मिली बट मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है, इट्स माई फेवरेट फेवरेट एंड आपको सिंपली इसको अपने फेस पे अप्लाई करना है, इसके बाद तो आप इसके ऊपर पाउडर मत ही अप्लाई करना एंड यू विल लुक कि आपका फेस एक पिंकिश ग्लो आपको बहुत प्यारा सा प्रोवाइड करेगा, एक पिंक ग्लो। ये मोस्टली मीडियम टू फेस के टोन में बहुत सुंदर लगेंगे, इस तरीके से आपका फेस बहुत ही प्यारा ग्लो करने लगेगा एंड ट्रस्ट मी गाइस, जब आपकी स्किन ग्लो करती है इट लुक्स हेल्दी और आपका फेस बहुत ही अच्छा लगता है। सो ये शेड है यूफोरिया एंड इसमें जो स्टिक फॉर्म में आता है सेम एग्जैक्टली लगता है बट मुझे ये थोड़ा सा व्हाइटिश लगता है, मतलब पिंक है बट हल्का फुल्का सा इसके अंदर व्हाइट का टेक्सचर है, बट इट्स अगेन ब्यूटीफुल। ये स्टिक फॉर्म में आता है एंड इसका जो शेड है, विच शेड इज दिस गाइज, अगेन यूफोरिया। आई टोल्ड यू ना कि ये स्टिक में दिया है इन्होंने, ये बाम फॉर्म में दिया है, दोनों ही अमेजिंग है। इट कम्स विद स्पंज जिससे कि आप अपना ऐसे ऐसे करके ब्लेंड कर सकते हो, आप अपना हाइलाइटर ब्लेंड करो मत करो, आप कंसीलर वगैरह जरूर ब्लेंड कर सकते हो। ऑलराइट, नेक्स्ट आई हैव लिक्विड हाइलाइटर, फर्स्ट वन एंड मोस्ट अफोर्डेबल, वो है अगेन स्विस ब्यूटी का रियल मेकअप बेस, इट ब्राइटन योर स्किन, मॉडिफाई पोर्स, मॉइस्चराइज, इट्स अ मॉइस्चराइजर कम हाइलाइटर, लिक्विड इल्यूमिनेटर यू कैन से। सो इट कम्स विद दिस पम्प, ओ माय गॉड, देखने में बिल्कुल व्हाइट लग रहा है, राइट, बिल्कुल व्हाइट है, बट वंस यू ब्लेंड दिस इट इज अमेजिंग, लाइक अमेजिंग, लुक एट दिस, सी इतना खूबसूरत ग्लो आपको मिलेगा ना, आप कहोगे वाह यार सायमा थैंक यू सो मच, आपने हमें सजेस्ट किया, सीरियसली बता रही हूँ आपको बहुत पसंद आएगा। ये एक हाइलाइटर प्राइमर है, यू कैन यूज एज अ प्राइमर, यू कैन यूज एज अ बेस हाइलाइटर बेस, यू कैन यूज एज अ लिक्विड इल्यूमिनेटर और इसके अंदर कोई भी चंकी ग्लिटर्स नहीं है, लेकिन वो चमकने वाले ग्लिटर्स अभी तक जो हाइलाइटर दिखाए उसमें किसी में भी नहीं है। और नेक्स्ट आई हैव दिस कलर बार का गोल्ड स्पॉटलाइट इल्यूमिनेटर लोशन, अगेन ये एक इल्यूमिनेटर मॉइस्चराइजिंग काइंड ऑफ यू नो मॉइस्चराइजर कम इल्यूमिनेटर है, सो यू हैव टू ओपन लाइक दिस, पंप की तरीके से है एंड ये भी अगेन वाइट है बट इसमें पिंक कहीं से भी नहीं है, इट्स अ प्रॉपर प्रॉपर गोल्ड हाइलाइटर और ये बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइजर का काम करता है, ड्राई स्किन वालों के लिए तो ये बहुत ही अच्छा साबित होगा, प्रॉपर गोल्ड है, यू नो पेल गोल्ड जैसा होता है वैसा काम करता है ये, लुक एट दैट, बहुत ही अच्छा है ये, बहुत अच्छा है, आपको डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए अगर आप यू नो कलर बार में ट्राई करते हो तो ये एक बहुत अच्छा गोल्ड इल्यूमिनेटर है, पूरी बॉडी पे भी आप इसे अप्लाई कर सकते हो एंड देन उसके ऊपर से पाउडर हाइलाइटर अप्लाई करो तो आपका जो हाइलाइटर है उसकी चमक बहुत ज्यादा बढ़ जाती है प्लस लॉन्ग लास्ट करता है। मेरे पास पाउडर स्प्रे फॉर्म में भी मेकअप रेवोल्यूशन का इल्यूमिनेटर है गोल्ड में, जिसे आप बॉडी स्प्रे कह सकते हो, बॉडी स्प्रे काइंड ऑफ अ थिंग। ओके, नेक्स्ट आई हैव दिस मेबेलिन, हम इसे कैसे इग्नोर कर सकते हैं, राइट, इट्स अ मेबेलिन मास्टर स्ट्रोबिंग क्रीम, मेरे को मेबेलिन का मास्टर मोल्टन गोल्ड बहुत ज्यादा, मोल्टन रोज गोल्ड बहुत ज्यादा पसंद है पिंक पाउडर फॉर्म का, ये भी एक पिंक काइंड ऑफ इल्यूमिनेटर है बट एग्जैक्टली मैं पिंक नहीं बोलूंगी,
थोड़ा सा पिंक सिल्वरिश है, बट ये गोल्ड में नहीं है. इट्स और ये भी अगेन विदाउट एनी चौंकी चौकी सा ग्लिटर नहीं है. एक ही हाथ पे अप्लाई कर रही हूँ ना, थोड़ा सा डिफरेंट करना चाहिए. इस वाले पे करते हैं, पर ये मेरे लिए उल्टा पड़ रहा है इसलिए मैं इस पर नहीं करके दिखा रही थी. ऑल राइट, सो हम इस पर दिखा देते हैं आपको. अब तो दोनों ही हाथ मेरे अच्छे से, अब तो आप देख लो दोनों हाथों में क्या शाइन आ गया है. सो आप इसे एज अ बॉडी पॉलिश, मतलब बॉडी को यू नो इल्यूमिनेट अगर आप यूज़ करना चाहते हो बॉडी के लिए, तो आप इसे लिक्विड को यूज़ कर सकते हो. लॉन्ग लास्ट भी करता है. सो ये बहुत ही अफोर्डेबल ऑप्शन है लिक्विड इल्यूमिनेटर के लिए. और मेरा जो शेड है वो न्यूड है, आई थिंक इसमें पिंक भी आता है. सो या नेक्स्ट आई हैव दिस, ये मियॉन की स्ट्रोक क्रीम. ये मेरे को नहीं लगता आपको ऑनलाइन ईजिली मिलेगी, स्पेशली ये वाला जो शेड है. मेरा शेड आई थिंक 2 या 3 था. ये भी रियल मेकअप बेस एग्जैक्टली सेम है स्विस ब्यूटी का. तो अगर आपको नहीं मिल रहा है ये, तो आप स्विस ब्यूटी डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो. ये थोड़ा और ज्यादा पिंक लगता है मुझे, या हल्का सा सिल्वरिश है, बट और ये भी बहुत ही अच्छा है. मॉइस्चराइजर का बहुत अच्छा काम करता है. या यू नो आपको हमारे इंडियन लोकल ब्रांड्स में भी बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं. बट द थिंग इज कि आपको उसे एक्सेप्ट करना होता है कि हाँ वो प्रोडक्ट यू नो अफोर्डेबल है, तो अच्छा नहीं है ऐसा नहीं सोचना है. ट्राई करो, डू ट्राई एंड देन कंपेयर विद योर ब्रांड्स. और अगर वो अच्छा लगे तो डेफिनेटली उसको ट्राई करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए. सो या मेरे को ये बहुत ज़्यादा पसंद है, बट आई थिंक ये एक्सपायरी होने वाला होगा. मेरे पास ये 2 साल से है, तो इसलिए मेरे को इसे डिस्कार्ड करना पड़ेगा. मुझे मिल नहीं रहा था इसलिए मैं डिस्कार्ड भी नहीं कर पा रही हूँ. दिस इज एग्जैक्टली सेम मैक के स्ट्रोप क्रीम वाला, पिंक स्ट्रोप क्रीम जो है मैक का, एग्जैक्टली सिमिलर है. ओके सो नेक्स्ट आई हैव ये एल ए कलर्स का इल्यूमिनेटिंग स्किन एनहेंसर. ये है शेड गोल्ड. सो ये वाइट गोल्ड है, मैं बता दूं आपको, इट्स अ वाइट गोल्ड, प्रॉपर गोल्ड नहीं ही है. एंड आप इसे फेस पे भी यूज कर सकते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये बॉडी पे ज़्यादा अच्छा लगेगा. बहुत अच्छा गोल्ड का रिफ्लेक्ट देता है, रिफ्लेक्शंस में बहुत अच्छी है. ये ड्रॉप में आता है, आप इसे हल्का सा फेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं, बट मैं इसे फेस पे नहीं अप्लाई करती हूँ. सो ये ब्लेंड हो जाता है बहुत अच्छे से. नेक्स्ट आई हैव दिस वन. अगर आप चाहो तो इसमें आपको बहुत सारे शेड मिल जाएंगे, सिल्वर, पिंक, गोल्ड, रोज गोल्ड, पिंक गोल्ड, काफी सारे. तो बॉडी के लिए भी बहुत अच्छा ऑप्शन है. ओके नेक्स्ट आई हैव मेरा फेवरेट, मेरे कुछ कुछ बहुत ज्यादा फेवरेट हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया लाइक स्विस ब्यूटी का, मियॉन का, देन मेरा स्विस ब्यूटी का दिस वन इज माई फेवरेट वन, और यूफोरिया इज माई फेवरेट वन. नेक्स्ट आई हैव दिस मिलानी का सॉफ्ट फोकस ग्लो इन द शेड 01 न्यूड ग्लो. ये शेड 01 है, इस तरीके से पंप के साथ आता है एंड ये एकदम न्यूड है. सो वैसे मेरे पास न्यूड हाईलाइटर नहीं है, बट दिस इज आई लव. लाइक एक सिंगल ऐसा है जो मेरे पास न्यूड हाईलाइटर है. ये लगता है कि आपने फेस पे कुछ भी नहीं लगाया है, मतलब कोई कलर नहीं देता, सिर्फ और सिर्फ ग्लो देता है. और इतना सटल ग्लो कि लगता है बिल्कुल नेचुरली आपकी स्किन विद इन काइंड ऑफ अ ग्लो जो आपको प्रोवाइड होती है आपकी स्किन, वैसा ग्लो ही आपको प्रोवाइड करता है. तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है. नेक्स्ट यहाँ पे है मेरे पास ये फिजिशियन फॉर्मूला का स्पॉटलाइट इल्यूमिनेटर प्राइमर. इसे इज इल्यूमिनेटर प्राइमर. मैं इसे बहुत रेयर यूज़ करती हूँ. मुझे ऐसा लगता है ये भी न्यूड है, मैं आपको बता दूँ ये भी बिल्कुल न्यूड है, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये प्राइमर में थोड़ा सा शिमर है यू नो रिफ्लेक्सेस, बट जब ब्लेंड करते हैं तो नहीं लगता है. बहुत ज़्यादा हाईलाइटिंग इफेक्ट देता है, मतलब बहुत बैम बैम वाला हाईलाइटर लगता है मुझे. बट कुछ लोगों को यू नो बहुत ज़्यादा हाईलाइटर पसंद होता है. एक जैसे मुझे पसंद है कि एक सटल ग्लो मिल जाए, नेचुरल मिल जाए. मैं एवरीडे में प्रेफर करती हूँ हाईलाइटर लगाना. सो उसी तरीके से कुछ लोगों को चाहिए बहुत ही ज़्यादा इंटेंस हाईलाइटर हो, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा है. बट इट्स अ लिक्विड प्राइमर, तो आप इसे एज अ प्राइमर अप्लाई करोगे, तो अगर फाउंडेशन उसके ऊपर अप्लाई करते हो तो वो आपको बिल्कुल यू नो कम्प्लीटली कवर कर लेगा एंड आपको बहुत ही अच्छा ग्लो मिलेगा अंदर से. सो यू डोंट हैव टू वरी कि यार बहुत ज़्यादा बैम बैम वाला टाइप है. सो मेरा पूरा हाथ ही उन्होंने बहुत चमकीला चमकीला सा हो गया है. नेक्स्ट यहाँ पे लास्ट मेरे पास 2 हाइलाइटर हैं और दोनों ही मेरे बहुत फेवरेट हैं. जो फर्स्ट वन है अब वो आप इजीली बाय कर सकते हो गाइस, वो मैक का है. ये मैक का स्मॉल ट्यूब है, ये मैक का स्ट्रोप क्रीम है. इसमें शेड्स बड़े अगर आप ट्यूब लेते हैं तो बड़े में आपको काफ़ी सारे शेड्स मिल जाते हैं, लाइक ऑरेंज गोल्ड, पिंक गोल्ड एंड और भी बहुत सारे शेड हैं.
मैंने लिया है पिंक, बिकॉज आई लव पिंक हाइलाइटर. आई लव पिंक हाइलाइटर, बहुत बार बताया मैंने, मुझे पिंक बहुत ज़्यादा पसंद है. पिंक रिफ्लेक्सेस, पर्पल रिफ्लेक्सेस विद गोल्ड, इस टाइप का कुछ एग्जैक्टली मैं डिफाइन नहीं कर सकती हूँ. सो ये मैक की स्ट्रोप क्रीम है एंड इट इज़ अ स्ट्रोप कम मॉइस्चराइजर, और क्या बोलेंगे, कम प्राइमर, ऐसा कुछ. सो ये मतलब मैं कहूँगी हाइलाइटर कम है, मॉइस्चराइजर ज़्यादा है. सी इट इज अमेजिंग, बहुत ज़्यादा ही मज़े का है. इसको लगाने के बाद ना यू फील कि भाई आपकी स्किन कितनी स्मूथ स्मूथ हो गई है, क्योंकि ये मॉइस्चराइजर का काम बहुत अच्छा करता है गाइस. और उसके साथ ही साथ आपकी स्किन को ये एक ग्लो प्रोवाइड करता है. आई कैन से कि हाइलाइटर कम, हाइलाइटर ज़्यादा, बट ये एक बहुत अच्छा क्रम है जो कि आपके फेस को बहुत अच्छा ग्लोइंग इफेक्ट देता है. तो डेफिनेटली डू ट्राई, और एवरी डे में आप लगा सकते हो. आप कॉलेज जा रहे हो, फंक्शन में जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो तो लगा सकते हो. वैसे मैं बता दूँ, मैंने अभी अपने फेस पे ये बिनीथ ये लगाया हुआ है एंड उसके ऊपर मैंने टॉप किया था मेरा यू नो टू फेस का हाईलाइटर, पाउडर हाईलाइटर, बिकॉज दैट इज माई फेवरेट वन, पिंक वन. इसलिए नेक्स्ट एंड जो लास्ट हाईलाइटर है या इल्यूमिनेटर आप कहोगे, दैट इज़ फ्रॉम मन्ना. ये मन्ना ग्लो का है और इसके अंदर कुछ अलग ही बात है, मुझे नहीं पता क्या, बट ये उतना ज़्यादा आपके फेस पे दिखता नहीं है. आई एम जस्ट शोइंग यू, बहुत ही पेल सा कलर है एंड दैट्स इट. ब्लेंड कर लो फेस पे, बहुत ही हल्का सा दिखता है, बहुत ज़्यादा यू नो शो नहीं करता है, बट ये मुझे पसंद बहुत है. और ये मुझे नहीं लगता आपको हर जगह मिलेगा, बिकॉज ये मुझे किसी यू नो सब्सक्रिप्शन बॉक्स में आता. यस, और इसे ये थे मेरे कुछ हाइलाइटर्स गाइस जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए. सो आई टोल्ड यू ना, दिस वीडियो इज ऑल अबाउट ग्लो एंड हाइलाइटर. सो या आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी एंड दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू फॉर श्योर. पसंद आए तो प्लीज डू लाइक गाइज, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, इट मीन्स अलॉट टू मी. एंड मैं सारे प्रोडक्ट्स के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी. सो जो भी हाइलाइटर आपको पसंद है वो जरूर ट्राई करें. अगर अभी तक आपने कभी भी कोई लिक्विड इल्यूमिनेटर नहीं ट्राई किया है तो एक बार जरूर ट्राई करके देखिए, क्या बुराई है, और जरूर ट्राई कर सकते हैं. मेरे रिकमेंडेशन तो बहुत सारे हैं, लाइक दिस वन एंड दिस वन, मिलानी वन, दिस फेस ब्यूटी का एंड दिस यूफोरिया, बहुत सारे हैं. सो यार वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि उसके बिना आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा. एंड गाइज प्लीज 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 शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल. मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में. बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड.